रास्ते बंद कर दिए हैं, मोटरसाइकिलों में चीजें घोटते जा रहे हैं और सड़कों पर बहुत ही नंगा नाच हो रहा है। लेकिन ये भी याद रहे आपको कि जिन्हें आना है वो आए हैं और जिन्हें आना होगा वो आएंगे। दरिया पार करके आएंगे, समंदर पार करके आएंगे, आएंगे। मैं यहाँ के प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ी नपुंसकता है लोगों को आने से रोकना, लोगों को वोट डालने से रोकना। मुकाबला करो। अगर हम मुर्गी चोरों से भी मुकाबला नहीं कर सकते तो किससे करोगे? इधर डूब मरने की बात है। अगर हम बकरी चोरों से, मुर्गी चोरों से, किताब चोरों से, मशीन चोरों से, भैंस चोरों से, फर्नीचर चोरों से, और कौन चोर जिसने विश्वविद्यालय बनाया है, ऐसा चोर जिसने बच्चों के स्कूल बनाए हैं, उससे इतना डर गए देखो रास्ते बंद है, किले के दरवाजे पे रास्ते बंद है, कोई नहीं आ सकता, इधर रास्ते बंद है, देहातों से आने वाले रास्ते बंद है, रोक दिया। ये आलम है तुमसे डर का, तुम्हारे खौफ का। भाई तुम इतने ताकतवर हो, अपनी ताकत को पहचानो तुम, कि तुम जमा न हो जाओ, तुम ताकत न बन जाओ। और कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गी चोरों का राज आ जाए। अरे वारे रपट लिखने वालों, वाह, कोई हैरत, कोई हया, कोई शर्म। वो चुल्लू भर पानी जो डूब मरने के लिए काफी होता, रामपुर में चुल्लू भर पानी भी नहीं है रपट लिखने वालों को। अपनी ताकत को पहचानो तुम, कि तुम जमा न हो जाओ, तुम ताकत न बन जाओ। और कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गी चोरों का राज आ जाए। अरे वारे रपट लिखने वालों, वाह, कोई हैरत, कोई हया, कोई शर्म। वो चुल्लू भर पानी जो डूब मरने के लिए काफी होता, रामपुर में चुल्लू भर पानी भी नहीं है रपट लिखने वालों को। अपनी ताकत को पहचानो तुम, कि तुम जमा न हो जाओ, तुम ताकत न बन जाओ। और कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गी चोरों का राज आ जाए। अरे वारे रपट लिखने वालों, वाह, कोई हैरत, कोई हया, कोई शर्म। वो चुल्लू भर पानी जो डूब मरने के लिए काफी होता, रामपुर में चुल्लू भर पानी भी नहीं है रपट लिखने वालों को।